मसकली के सफर पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, आईपीएल की 10 टीमों के मालिकों में कई बड़े उद्योगपति, हस्तियां और निवेशक शामिल हैं। इनमें से 4 टीमों का मालिकाना हक महिलाओं के पास है। टीमों का नेटवर्थ और मालिकों की संपत्ति वक्त के साथ बदल सकती है। आईपीएल टीमों की बढ़ती लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू मालिकों के लिए भारी मुनाफा कमाने का मौका देती है। आइए आज जानते हैं कि आईपीएल टीम और उसकी मालकिन कौन कौन है, और साथ ही कोशिश करेंगे उनके बारे में जरा तफसील से जानने की। पर सबसे पहले हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, वो पहले से ही काफी ज्यादा मशहूर हैं, और वो हैं मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन नीता अंबानी। जी हाँ, नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन और मुंबई इंडियंस की मालकिन आईपीएल टीम के सबसे अमीर मालिकों में अव्वल नंबर पर हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 23,199 करोड़ रुपए है। मुंबई इंडियंस नीता अंबानी के लीडरशिप में आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है। ये टीम 5 बार चैंपियन रह चुकी है और इसकी ब्रांड वैल्यू 9,962 करोड़ रुपए है, जो इसे आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम भी बनाती है। नीता अंबानी के अलावा दूसरे अमीर आईपीएल टीम मालिकों में प्रीति जिंटा और शाहरुख खान भी शामिल हैं। ये बताते हैं कि आईपीएल ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट का एक पसंदीदा खेल है। चलिए अब बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की मालकिन जूही चावला की। जी हाँ, केकेआर की स्थापना 2008 में हुई थी। टीम का घरेलू मैदान कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम है। 2023 सीजन में केकेआर प्लेऑफ में पहुंची थी, लेकिन फाइनल में गुजरात टाइटंस से हार गई थी। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कोलकाता नाइट राइडर्स की सह मालिक है। उनके साथ जूही चावला और उनके पति जय मेहता भी टीम के सह मालिक हैं। ये टीम आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है, जो 2 बार चैंपियन रह चुकी है। 2023 में इसकी ब्रांड वैल्यू 8,428 करोड़ रुपए थी, जो इसे आईपीएल की तीसरी सबसे मूल्यवान टीम बनाती है। शाहरुख खान की कुल संपत्ति 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान लगाया जाता है। वो न केवल एक सफल अभिनेता और निर्माता हैं, बल्कि कई ब्रांड का एंडोर्समेंट भी करते हैं। जूही चावला की पूरी संपत्ति $6 मिलियन यानी लगभग 44 करोड़ रुपए बताई गई है। केकेआर में उनके निवेश ने उन्हें और भी ज्यादा अमीर बना दिया है। बात करते हैं अब सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन की। सन टीवी नेटवर्क की मालिक कंपनी सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन है। काव्या मीडिया टाइकून कलानिधि मारन की बेटी हैं, जो सन ग्रुप के संस्थापक हैं। साल 2018 में काव्या को सनराइजर्स हैदराबाद का सीईओ नियुक्त किया गया था। इससे पहले उनके पिता कलानिधि मारन एसआरएच फ्रेंचाइजी के सीईओ थे, और अब वो फ्रेंचाइजी के अध्यक्ष हैं। काव्या सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा सन टीवी नेटवर्क के कारोबार में भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। रिपोर्ट्स की माने तो काव्या की निजी संपत्ति लगभग 409 करोड़ रुपए है। सनराइजर्स हैदराबाद की ब्रांड वैल्यू 7,432 करोड़ रुपए है। काव्या ने चेन्नई से अपनी शुरुआती पढ़ाई की है और कॉमर्स की डिग्री चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज से ली है। इसके बाद उन्होंने लंदन के बिजनेस स्कूल से MBA की पढ़ाई भी की है। बात करते हैं अब आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की ओनर प्रीति जिंटा की। पंजाब किंग्स के सह मालिक मोहित बर्मन, नेस वाडिया और करण पाल भी हैं। पंजाब किंग्स आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीमों में से एक है। प्रीति जिंटा की व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 183 करोड़ रुपए है, वहीं पंजाब किंग्स की ब्रांड वैल्यू 7,087 करोड़ रुपए है। प्रीति जिंटा एक काफी मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस है, और इसके साथ ही वो निर्माता भी है और एक बिजनेस वूमन भी है। हिंदी सिनेमा में डिंपल गर्ल के नाम से मशहूर जिंटा ने कई सफल फिल्मों में एक्टिंग की है और कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। बात करेंगे आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक शिल्पा शेट्टी की। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा साल 2009 में आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक बने थे। शिल्पा और राज ने टीम में 11.7% हिस्सेदारी खरीदी थी। हालांकि साल 2015 में एक घोटाले के बाद शिल्पा ने अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी। शिल्पा कई बार अपनी टीम को चीयर करते हुए नजर आई है।
साल 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल से पहले शिल्पा को मुंबई में देखा गया था, जहां उन्होंने अपने पूर्व टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए चीयर किया था। राजस्थान रॉयल्स को सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग घोटाले में पकड़ा गया था, जिसकी वजह से टीम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा था। तभी हमने जाना प्रीति जिंटा से लेकर काव्या मारन तक के बारे में, जो कि IPL टीमों की मालकिन है और हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। वैसे आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इन दिनों IPL देखकर आपको कितना मज़ा आ रहा है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसकली को, और देखते रहें मसकली। शुक्रिया।